मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं हर रोज नए नए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस को लेकर आता रहता हूं। आज का हमारा वीडियो है गूगल ड्राइव के ऊपर। गूगल ड्राइव क्या है, गूगल का ये एप्लीकेशन है, इसका क्या इस्तेमाल है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है और कैसे ये आपको एक क्लाउड की तरह काम करके हमेशा आपके और आपके मोबाइल के साथ चलता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल ड्राइव अगर आपके एप्लीकेशन में नहीं है, वैसे आजकल के स्मार्टफोन्स में ये पहले से इंस्टॉल्ड होकर आती है, नहीं तो आप इसे जो है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों जितनी भी ईमेल आईडीज आपकी जो मोबाइल में लॉगिन है उनसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ मेरी फ़ोटो दिख रही होगी। इस पर क्लिक करने के बाद जितनी भी ईमेल आईडीज यहाँ पर हमने लॉगिन की हुई हैं उन सभी से आप जो है गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ड्राइव जीमेल का वही डेटा है जो 15 GB डेटा आपको जीमेल पर मिलता है यूज़ करने के लिए, एज अ क्लाउड हमेशा आपके साथ होता है। उस डेटा को सेम आप यहाँ पर जीमेल में भी यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको। आप यहाँ पर तीन जो आपको यहाँ पर लाइंस दिख रही हैं ऊपर लेफ्ट टॉप में, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ रीसेंट एक्टिविटीज़ पर जाकर ऑफलाइन एक्टिविटीज़ आपने कुछ सेव कर रखी हो, ऑफलाइन थ्रैश आप देख सकते हैं आपने कुछ डिलीट किया हो। थ्रैश में जो है 30 दिनों के बाद यहाँ पर जो भी डेटा होता है वो हमेशा के लिए यहाँ से भी डिलीट हो जाता है। आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, आप बैकअप्स देख सकते हैं बैकअप। इसके बाद आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख पा रहे हैं कितना GB डेटा है, कितना हमने यूज़ किया है। आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड स्टोरेज पर जाएंगे। यहाँ पर आपको गूगल वन प्लस पर लेकर जाएगा। वहाँ पर जो है आपको अलग अलग यहाँ पर हर मंथली और आपको ये पैक ईयरली मिलते हैं। इसमें आपको इतना GB डेटा का ऑप्शन और मिल जाएगा और ये कुछ अलग अलग तरीके के एक्सेस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, आप कैच मेमोरी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों एक अच्छा नीचे ऑप्शन देख रहे हैं आप डेटा यूसेज का, आप इसको इनेबल कर दें, ट्रांसफ़र फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो जो आपकी फाइल्स हैं वो ट्रांसफ़र और डाउनलोड होंगी जब आपके मोबाइल का कनेक्शन वाईफाई से जुड़ जाएगा तब। अगर आप इसको यहाँ पर डिसेबल कर देंगे तो जो आपके मोबाइल का डेटा है वो यहाँ पर यूज़ होगा आपके अपलोडिंग के और अपडेटिंग के टाइम पर। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे स्टोरेज लिखा आ रहा है, यहाँ पर कितना स्टोरेज हमने यूज़ किया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये माई ड्राइव लिखा आ रहा है, यहाँ पर ये फोल्डर्स हैं, ये फाइल्स हैं। इन फाइल्स को जो है हम रिसेंटली जो यूज़ करते हैं, जितनी भी फाइल्स हमारी गूगल डेटा शीट से और जीमेल से कनेक्टेड हैं वो सभी यहाँ आ रही हैं। आप यहाँ माई कंप्यूटर जो आपका कंप्यूटर है इसको भी आप यहाँ से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डालने होंगे तो ये वहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ एक होम का ऑप्शन मेन्यू दे रखा है नीचे। आप होम पर जाएंगे, होम पर जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो आपने जैसे कि ये कुछ गूगल फॉर्म्स बनाए हुए हैं तो यहाँ दिख रहे हैं। आप स्टार पर जाएंगे, यहाँ पर स्टार मैसेजेस आपने कोई स्टार फाइल्स कर रखी हो। आप यहाँ पीपल शेयरिंग पर जाएंगे दोस्तों, ये क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। ये शेयर्ड फाइल्स हैं, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो हमें शेयर किए गए हैं ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह। ये भी बहुत अच्छा सिस्टम आया है गूगल ड्राइव की मदद से। जैसा आपने देखा होगा दोस्तों जीमेल सेंड करते टाइम या कोई भी एप्लीकेशन पे आप जब कोई फाइल सेंड कर रहे होते हैं, आइदर वो MP3 हो, JPG हो, PDF हो, अगर वो ज़्यादा बड़े साइज़ की फ़ाइल है दोस्तों तो वो सेट नहीं होती है। लेकिन गूगल ड्राइव में अगर हम उसे शेयर करते हैं, क्योंकि हम ओनर होते हैं और हम जिसको एक्सेस देते हैं वो उसको वहाँ से ओपन करके और अपने डिवाइस में ईजीली अपने ड्राइव पर उसको जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकता है और उस फाइल का यूज़ कर सकता है। एक और इसका सबसे अच्छा ये फ़ायदा है कि अगर आप कोई रिमोट एरिया में हैं या आप एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे देश हैं तो भी आप फाइल्स को ईजीली यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप एक फोल्डर देख रहे हैं जिसमें फाइल्स लिखा हुआ है। इसके पास में आपको एक प्लस का साइन दिख रहा होगा दोस्तों। इस प्लस के साइन से ही वो सारी एक्टिविटीज़ की जाएंगी। जो एड ऑन साइन दे रखा है हम प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू, आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। आप फोल्डर जो है यहाँ से एक बना सकते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना चाहें जैसे मार्कशीट, तो आप फोल्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक फोल्डर का आप नाम दे देंगे, हमने नाम दे दिया है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद हम क्रिएट कर देंगे।
तो दोस्तों ये एक देखिए डॉक्यूमेंट नाम से सर्टिफिकेट के नीचे, क्योंकि ये ABCD के फॉर्म में चलता है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ आ गया है, आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। अभी आप चाहते हैं प्लस करके इसमें कुछ ऐड करना, आप कुछ स्कैन करके रखना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करेंगे। स्कैन करने के मान लीजिए ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप इसको जो है यहाँ से स्कैन टू PDF, PDF में हमने इसको गॉटेड कर दिया है, देन हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए दोस्तों ये वेट कर रहा है अपलोडिंग का, और ये यहाँ पर जो है जितने भी फाइल की ये अपलोडिंग हुई होगी, देखिए ये एक PDF बन गई है, आप देख सकते हैं इस PDF को, और ये PDF जो है यहाँ पर आ गई है, जो भी हमने यहाँ पर फोटो लिया था उसकी PDF यहाँ पर ईजीली आप देख सकते हैं। अब हम आपको आगे दिखाएं, आप पीछे आएंगे, पीछे आने के बाद आप यहाँ पर और कुछ भी अपलोड करना चाहते हैं आपके एल्बम से, तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एल्बम गैलरी में जाने के बाद, रिसेंट में जाने के बाद आप जो भी अपलोड करना चाहें ईजीली अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है दोस्तों गूगल डॉक्स, कोई डॉक्स की फाइल है, कोई शीट है, एक्सेल शीट है, कोई पावर पॉइंट की स्लाइड है, उसको भी ईजिली आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ये हमने एक डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बनाया था, आप चाहते हैं कि किसी फोल्डर में नहीं हम डायरेक्ट ही यहाँ पर रख दें उसको, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट किसी चीज़ को स्कैन करके या आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर करेंगे, तो वो आपको इन शीट्स के ही आसपास या बीच में अपलोड होता हुआ दिखेगा। एक और जो सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों, जो इसका यूज़ है, आप देख पा रहे होंगे एक सर्टिफिकेट नाम का फोल्डर है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। सर्टिफिकेट नाम के फोल्डर में एक फाइनल नाम का फोल्डर है, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाना चाहूँगा। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं हमारे, ये सर्टिफिकेट जो कि हमने यहाँ पर अपने सिस्टम से और मोबाइल से अपलोड कर लिए हैं इस ड्राइव में। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट को जो है हम यहाँ से किसी को शेयर करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप ये तीन डॉट देख रहे होंगे राइट टॉप में, आप तीन डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऑप्शंस देखिए, आप शेयर कर सकते हैं, आप यहाँ शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद आप जिसको शेयर करना चाहते हैं या किसी ग्रुप को शेयर करना चाहते हैं, हम जीमेल पे ग्रुप कैसे बना सकते हैं, कैसे हम एक साथ बहुत सारे लोगों को ईमेल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं कुछ दिनों में वीडियो बनाऊँगा, आपने देखा होगा शेयर। इसके बाद आप देख सकते हैं मैनेज पीपल एंड लिंक, आप यहां पर एक लिंक जनरेट कर देंगे। देखिए ये नीचे आपको लिंक दिख रही होगी, https:// करके जो लिखा हुआ है, ये एक लिंक है, इस लिंक को शेयर कर देंगे तो सामने वाला इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मेरे सर्टिफिकेट को जो है डाउनलोड कर पाएगा। अभी कोविड के टाइम पे जितने भी सेमिनार वेबिनार जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए हैं, उनमें जब लिंक शेयरिंग होती थी या कोई डॉक्यूमेंट को शेयर किया जाता था, तो दोस्तों गूगल ड्राइव की ही उसमें हेल्प दी जाती थी। देन आप देखेंगे ऑप्शन में, आप इसको स्टार में ऐड कर सकते हैं, आप इसको ऑफलाइन अवेलेबल बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास डेटा पैक नहीं है, नेट नहीं चल रहा है आपका, आपके सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप इसको ऑफलाइन क्लिक करने के बाद जब आप ड्राइव को ओपन करेंगे तो ये ऑफलाइन भी आप इसको एक्सेस कर सकेंगे। देन आप कॉपी कर सकते हैं लिंक को, एक दूसरी कॉपीज की बना सकते हैं, सेंड अ कॉपी पर क्लिक करके, देखिए हम सेंड अ कॉपी पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आप इसको जहाँ भी चाहते हैं उसको ईजिली आप व्हाट्सएप, ईमेल यहाँ से ईजिली शेयर कर पाएंगे। नीचे और काफ़ी सारे दे रखे हैं ऑप्शंस, डाउनलोड कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं एक फोल्डर से दूसरी जगह, प्रिंट कर सकते हैं, आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, आप इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे तो दोस्तों ये जो है थ्रैश में चला जाएगा। तो आपने देखा होगा ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये इनके साथ आप जो है ईजिली यहाँ से आप इनको शेयर कर पाएंगे। ये एक छोटा सा यूज़ था गूगल ड्राइव का, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि हम हमारे फ़ोन में कितने ही सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन रख सकते हैं। हमें सब कुछ आजकल साथ लेने की जो है ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी साथ रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ड्राइव का हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके काफ़ी चीज़ों से और कह सकते हैं कि काफ़ी सारी टेंशन्स को भी दूर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।